हेलो एवरीवन, माय किचन शांति क्यूजिन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्याज की पकौड़ी बनाऊंगी, उसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दूंगी। उसमें आलू की कोटिंग की जाएगी। इसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बेसन लिया है, ये लगभग जो है आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा है। ये स्टार्च है जिसे आरारोट भी कहते हैं। ये काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा खड़ा जीरा, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, हरी धनिया की पत्ती, ये चार आलू और चार से पांच जो है लगभग मीडियम साइज के प्याज को मैंने थोड़ा बारीक बारीक काटना है, उसको मैंने काट लिया है। और ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई, लहसुन, अदरक, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए आज मैं पकौड़ी बनाऊंगी। वैसे तो प्याज की पकौड़ी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से क्या कभी कभी होता है कि पकौड़ी में या तो बेसन बहुत ज़्यादा हो जाता है या प्याज ओवर हो जाता है। क्यों ऐसा होता है और इन सब क्या गलतियां होती हैं, उन सभी बातों का हम यहां समाधान करेंगे और छोटे छोटे टिप्स आपको देंगे जिससे जो आपकी जो पकौड़ी बनेगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छा और सॉफ्ट और क्रंची दोनों होगा इसमें। सबसे पहले एक बड़ा कटोरा लीजिए जिसमें हम प्याज को डालेंगे, जिसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, इतना बड़ा कटोरा होना चाहिए। अब इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला, खड़ा जीरा, पिसा हुआ जीरा और काली मिर्च, काली मिर्च बहुत अच्छा टेस्ट देता है, और हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर, धनिया का पत्ता, स्वाद अनुसार नमक। पहली गलती लोग यहाँ करते हैं, मैंने क्या किया, सबसे पहले प्याज लिया और सारे मसाले को इसमें डाल दिया, ठीक ना। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। बेसन जो है कोई सही अंदाजा नहीं होता है कि जितना प्याज है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग जो है कोई बेसन इसमें डाल दिया जाए, ऐसे नहीं। अगर ऐसे करते हैं तभी वो वहाँ पे खराबी हो जाती है। अब हमको क्या करना है, जितना प्याज है कम से कम 2 या 3 चम्मच इसमें बेसन डालिए और बाकी छोड़ दीजिए, जब जरूरत होगा तभी हम डालेंगे। अब इसको इसमें एक भी बूंद पानी नहीं डालना है, क्यों, क्योंकि प्याज में पानी है और नमक से जो हो पानी इसमें से निकलेगा, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, हाथों की सहायता से करिए और ये इसी पानी से, प्याज के पानी से ही इस पकौड़ी को अच्छे से मिक्स करना है। शुरू में खूब सूखा सूखा ड्राई लगेगा, लेकिन आप जब जैसे जैसे ये पानी छोड़ेगा, अब देखिए आप इस हिसाब से चम्मच से अलग से साइड में रखे रहिए और डालते रहिए, इससे क्या होगा कि बेसन ज़्यादा नहीं होगा प्याज में और ना प्याज, दोनों का जो है संतुलन है वो बना रहेगा। खूब अच्छे से इसको मैश करिए, बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब इसको हम 10 मिनट रेस्ट देंगे और इसमें जो भी पानी छोड़ना होगा जितना वो छोड़ेगा उसी से, और फिर जब ये 10 मिनट के बाद इसको फिर से हम मिक्स करेंगे और ये एकदम रेडी हो गया है। अब इसको साइड में रखते हैं और अगले स्टेप पे जाते हैं। अब हम एक कटोरी लेंगे, कटोरी में देखिए मैंने थोड़ा सा पानी रख लिया है और इसमें ही हमें कद्दूकस करूंगी आलू को। आलू में जो थोड़ा आपको जैसा लगे, एक छोटा भी होल होता है और छोटा छोटा भी, बड़ा बड़ा भी, तो थोड़ा सा जो बड़ा होता है उससे ही हम करेंगे। 4 मीडियम प्याज में 3 छोटे आलू का मैंने कद्दूकस किया और इतना ज़्यादा निकल गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अच्छे से 2-4 पानी से धुल के उसको पूरा स्टार्च इसका निकाल देंगे। देखिए कितना चमकने लगा है आलू, आलू चमक आ गई इसमें, इसका मतलब इसमें का जो जितना भी स्टार्च था वो गायब हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हाथ से ऐसे दबा दबा के पूरा पानी हाथ से निकाल निकाल के इसको अलग रखेंगे। अब सारे आलू को ये है जो निकल गया, इसमें हम स्टार्च को मिलाएंगे, यानी कि आरारोट को मिलाएंगे। इसमें ध्यान रहे कि नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है,
नमक प्याज में है, इसमें केवल स्टार्च पड़ेगा। इसको खूब अच्छे से हाथों से सहायता से आप इसको मिला लीजिए। ये बिल्कुल अच्छे से जब मिल जाएगा तो एक एक ये एकदम अलग हो जाएगा। देखिएगा अभी जब तक अच्छे से ये ड्राई नहीं हो जाता, अलग अलग बिल्कुल नहीं हो जाता, तब तक आप स्टार्च डालिएगा। अभी मैंने 4 चम्मच छोटे चम्मच से 4 चम्मच डाल दिया है, थोड़ा सा और डालूंगी। ये पूरे पानी को बहुत अच्छी तरह से सोख लेता है। ये देखिए आप, इसको आप अभी उछालेंगे तो सब अलग अलग हो जाएगा, देख रहे हैं, ये पूरा अलग अलग हो जाएगा। यानी कि ये जितना स्टार्च था इसमें, पूरा स्टार्च जो है इसके आलू के पानी को, जो थोड़ा बहुत ही पानी था, वैसे तो मैंने पानी निकाल दिया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पानी है उसको वो सोख लेगा। अगर कभी ऐसा हो कि आलू जो है ये आपने जो बनाया कद्दूकस करके ये ज्यादा हो गया है, तो इसको फ्रीज में स्टोर करके रख दीजिए और उसको ढक दीजिए। फिर जब कभी आपका चाय के साथ कुछ मन करे तो इसमें हल्का सा गरम मसाला, जीरा, नमक हल्का सा डाल के इसको ऑयल में तल लीजिए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो कभी भी कोई चीज़ ये खराब नहीं होता है, ये 2-3 दिन आराम से फ्रिज में रखा जा सकता है। अब हम प्याज को देख लेते हैं। देखिए ये देखिए कितने अच्छे से, इसमें मैं एक बूंद भी पानी नहीं डाली हूँ, एक बूंद पानी नहीं डाली हूँ। लोग पानी डाल के क्या करते हैं, तभी पकौड़ी जो है खराब हो जाती है और वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी और तेल को बहुत ज़्यादा सोखेगी। इसमें जो है कुछ भी तेल नहीं लगेगा, बिल्कुल फटाफट जो है बनेगा। और इसका जो है इस पर कोटिंग करके मैं अभी पकौड़ी बनाऊंगी। कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे गरम करना है, अच्छे से हीट हो जाए तब इसमें हम प्याज को इसमें डालेंगे। हम चेक करते हैं कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। इसमें आलू का जो टुकड़ा डालेंगे, देखिए ये ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि तेल गरम हो चुका है। अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं। अब हम प्याज को लेंगे इस तरह, ये हाथ में ले लिया, अब इसको आलू में ऐसे कर देंगे, इसको घुमाएंगे, ये चारों तरफ से इसमें लपट जाएगा और इसके बाद हम इसमें इसको तेल में डालेंगे। देखिए कितना अच्छे से ये तैयार हुआ है, बिल्कुल बाहर का बिल्कुल हार्ड रहेगा, क्रंची रहेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। आंच लगे कि बहुत ज्यादा तेज हो गया है तो उसको थोड़ा सा धीमे भी कर दीजिए आप, तो अच्छे से प्याज अंदर से पक जाएगा, नहीं तो प्याज अंदर से कच्चा रहेगा। तो हल्का सा मीडियम पे रख दीजिए तेज होने के बाद, पहले अच्छे से गर्म करना है। प्याज के पकौड़ी बन के तैयार हो गए। अब झटपट आप हरी चटनी लीजिए, उसके साथ खाइए, या जो भी आपको चटनी पसंद है उसके साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और आपने प्याज का पकौड़ी तो बनाए होंगे लेकिन इस स्टाइल से नहीं शायद बनाए होंगे, तो क्योंकि अंदर से बिल्कुल देखिए बिल्कुल टन 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 टन, देखिए कितना क्रंची है ना। और इसको जब आप तोड़ेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट सा निकलेगा, तो आप खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको हरी धनिया की चटनी के साथ खाइए या जो भी आपकी इच्छा हो जिस चटनी के साथ, और खाइए और ज़रूर बनाइए। अपने कमेंट्स दीजिए, अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।